गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम टू ऑल इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11 दैट इज टाइम। ठीक है, इन विच आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज टाइम, व्हाट इज अ क्लॉक, हाउ वी ऑब्जर्व टाइम इन क्लॉक या हाउ वी वॉच क्लॉक, हाउ वी टेल एनीवन दैट व्हाट इज टाइम नाउ, है ना। तो आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट स्मॉल एंड ऑफ अ क्लॉक दैट इज आवर एंड लॉन्ग एंड ऑफ अ क्लॉक दैट इज मिनट एंड। ठीक है, तो ऑल वी हैव डिस्कस, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट इज डेज ऑफ द वीक, है ना। तो डेज ऑफ द वीक पढ़ना है, यानी कि वीक मीन सप्ताह, यानी जो एक सप्ताह होता है, तो उस सप्ताह यानी एक हफ्ते जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो हाउ मेनी डेज इन अ वीक, है ना। अगर हम आपसे पहला क्वेश्चन यही करें, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो आप क्या बताएंगे, एक वीक में कितने मेनी डेज होते हैं, है ना। तो देखिए, तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 days। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना। तो ये क्या है, हमारे वीक्स की डेज है, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिए, आप लोग सुनिए, मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहला दिन हमारा कौन सा होता है, जिससे आपका स्कूल स्टार्ट होता है, द वीक फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इज मंडे, है ना। मंडे, है ना, कि मंडे होता है, मंडे आज स्कूल जाना है। तो वेरी सेकेंड डे कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे, है ना। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, दैट इज ट्यूसडे, है ना। फिर ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है, वेडनेसडे। ठीक है, ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आएगा हमारा, वेडनेसडे। ठीक, नेक्स्ट डे हमारा कौन सा आता है, थर्सडे, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद हमारा कौन सा दिन आएगा, थर्सडे, यानी डे नंबर 5 दैट इज फ्राइडे, है ना, दैट इज फ्राइडे। डे नंबर 6 दैट इज सैटरडे, डे नंबर 7 दैट इज संडे, है ना। तो ये हमारे डेज ऑफ द वीक हैं, है ना। स्टार्ट कहाँ से होता है, मंडे, है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से, जिसे आप हिंदी में सोमवार भी कहते हैं, जैसे कवर्ड। ठीक है, मंडे मीन्स जिसे हम हिंदी में सोमवार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज ट्यूसडे, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, मंगल, है ना। तो हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, मंगलवार। इधर बैठे से को क्या पढ़ते हैं, बुधवार, है ना। थर्सडे को आप क्या पढ़ते हैं, गुरुवार, है ना, गुरुवार या बृहस्पतिवार, है ना। फ्राइडे को आप क्या पढ़ते हैं, शुक्रवार। ठीक है, सैटरडे को हम क्या पढ़ते हैं बेटा, शनिवार। ठीक है, और संडे को हम क्या पढ़ते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, रविवार। संडे सभी का फेवरेट होता है, क्योंकि इस दिन स्कूल क्या होता है, हाफ डे होता है ना, तो इसलिए संडे क्या होता है, सभी का फेवरेट होता है, है ना। तो ये थे आपके क्या, डेज ऑफ द वीक। ठीक है, और इन डेज ऑफ द वीक को आपको लर्न करना है। ठीक है, एक पोयम दी गई है पेज नंबर 141 पे, दैट मंडे इज अ फन फिलेड डे, है ना। तो डेज ऑफ द वीक पे पोयम दी गई है, उस पोयम को आप ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, अगर नहीं लर्न होगी तो मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
लेकिन एक बार आप पहले तो उसे लर्न करिए, अगर नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और जो भी होमवर्क है आपके पेज नंबर 140 और 141 पे, ठीक है, उसको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट इसमें है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।